अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो बाई सैटरडे। तो आज फाइनली हम लोग सैटरडे को भी द टेक शो की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कल वाली क्यू एन ए वीडियो के लिए कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। आज मैं ना वीडियो 8:15 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं लेट हो गया हूँ। मेरी कोशिश होती है 9:15 बजे तक वीडियो को अपलोड कर दूँ, तो अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत लेट आती है तो आई एम रियली सॉरी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो को शूट करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा चलो इसको पहले शूट कर लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई जिसकी वजह से वो टाइम भी ज़ाया हो गया ये भी वीडियो लेट हो गई, तो आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन लाजमी तो वो कर दीजिएगा कल वाली क्यू एन ए वाली वीडियो के लिए। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है Asus ROG फोन 6 के बारे में। अगर आप गेमिंग फोन के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को इस सीरीज का लाजमी तो वो पता होगा। जो 6 सीरीज है वो बहुत जल्द आ रही है, इसी मंथ के अंदर उसको आई थिंक 5 या 6 को लॉन्च किया जा रहा है। उसके जो रेंडर है वो सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी हद तक गेमिश फोन टाइप की लुक मिल रही है। बैक साइड के ऊपर डिस्प्ले है, काफी बड़ा डिस्प्ले का साइज होगा। डिजाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। पर्सनली तौर पर मुझे गेमिंग फोन्स के जो इस किस्म का डिज़ाइन है वो इतने ज़्यादा कोई अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये एक डिफरेंट कैटेगरी के यूजर्स को टारगेट कर रही होती है सीरीज, तो आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हो। 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले होगा 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, तो भाई जो डिस्प्ले होगा ना वो सुपर बटरी से भी बटर से मक्खन से भी ऊपर वाला कोई स्मूथ होने वाला है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर होगा बेसिकली, तो ये वही सेम प्रोसेसर है लेकिन उसको थोड़ा सा ट्वीक वगैरह किया जाएगा। अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन वही आने वाली आई थिंक, या फिर वो वाला प्लस वाला जो वेरिएंट उसको यूज़ किया जाएगा। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो भाई इस मंथ के अंदर इसको ग्लोबली लॉन्च किया जा रहा है, तो आप इम्पोर्ट शिम्पोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो कि आ रही है एप्पल के बारे में, अब एप्पल के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो लाइटनिंग आईफोन की जो चार्जिंग की पोर्ट और केबल उसको चेंज ना करें। ब्राज़ील के अंदर वो लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई इस चीज़ को हम लोग ज़रूरी बनाते हैं मैडेटरी, मुझे नहीं याद आ रहा भाई वो थोड़ा सा मिक्स हो गया वह लफ्ज़, यानी कि ज़रूरी बना दें हमारे मुल्क के अंदर। वो कहते हैं अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आती है स्पेशली तौर पर फोन्स की बात करें कि उसके अंदर हमें सिर्फ टाइप सी की केबल मिलनी चाहिए, उसके अलावा कोई लाइटनिंग शाइटनिंग केबल नहीं चलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। मे बी वो लोग कोई लॉ वगैरह पास कर दें। इसके अलावा यूरोप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर, तो एप्पल के पास इतना कोई टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। वैसे भी एप्पल को आई थिंक शर्म आ जाएगी मे बी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो लोग टाइप सी को यूज़ कर लें, काफ़ी एक अच्छी चीज़ होगी, काफ़ी रिलैक्सिंग चीज़ होगी, क्योंकि भाई ये एप्पल की प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी टाइप सी लाइट वो लगती है पोर्ट, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर आप लोगों को पता है कि एप्पल को मसले मसाइल चल रहे हैं। एप्पल अब दुआ है मेरी कि भाई लाइटनिंग को छोड़कर टाइप सी के ऊपर शिफ्ट हो जाए। वैसे मुझे समझ नहीं है, मुझे याद नहीं है कि आईपैड्स के अंदर जो लेटेस्ट वो कौन सी पोर्ट है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी गूगल कर सकता हूँ, लेकिन जब आप कमेंट करोगे थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लेटेस्ट आईपैड्स आ रहे हैं उनके अंदर टाइप सी आ रही है या लाइटनिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि लाइटनिंग ही आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो भाई मुझे लग रहा है आजकल ना पर्सनली तौर पर मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि जो इंस्टाग्राम ना ये टिकटॉक बनता जा रहा है, क्योंकि जब आप लोग स्क्रॉल करते हो ना तो भाई वीडियोज़ पे वीडियोज़ होम स्क्रीन के ऊपर रील्स ही आ रही होती हैं। अब उन लोगों ने एक और स्टेप इसके अंदर एडिशनल ये करना है कि जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो ना, अब इस वक्त तो वो आपसे पूछता है कि भाई आप इसको एज अ रील अपलोड करना चाह रहे हो कि नॉर्मल वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो, अब वो नॉर्मल वीडियो वाला ऑप्शन ही खत्म करने वाले हैं। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो वो सीधे सीधे रील्स के अंदर ही जाएगा करेगी। आपको पता है कि YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स या फिर इसके अलावा और भी कुछ जो भी है ना, वो सारे के सारे TikTok को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स जो है ना आपको Instagram के रील्स के ऊपर जो मिलता है लाइक आपकी जो रीच होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल वीडियो। मेरे पास भी रील्स का ऑप्शन है, मैं भी आजकल मैं गया हुआ था स्वास्थ्य इधर उधर, तो मैं भी डाल डूल रहा हूँ, तो आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया तो लाजमी तो वो फॉलो कर सकते हो। मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन Instagram को ना जो एक पिक्चर्स वाला उनका DNA है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाई हर चीज़ अगर TikTok बनने की कोशिश करेगी तो अपनी आइडेंटिटी भी खो देगी। तो मैं इसके हक में इतना ज़्यादा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आप पुश करो, लेकिन इतना भी पुश ना करो कि आप कुछ और बनने के चक्कर में अपने आप को भी भूल जाओ। अब कल को ये भी हो सकता है ना कि टिकटॉक वाले ये कहें कि भाई हम आपको पिक्चर्स जिस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हो आप उस तरह का ऑप्शन देंगे, अगर वो लोग ये करते हैं तो भाई फिर इंस्टाग्राम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो टिकटॉक का यूज़र बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है। और मेरा यार कोई वीडियो बनाने का वहाँ पर दिल नहीं करता, पता नहीं क्या, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी वीडियो बना लूँ। और यार मैंने वीडियो वहाँ पर अकाउंट बनाया था, मेरी जो एक आईडी थी ना टेक होस, जो मेरा ओरिजिनल यूज़र नेम था भाई, उसका मुझे ना पासवर्ड याद है ना आईडी याद है, वो टिकटॉक के ऊपर रैंडमली घूम रहा है, मेरे पास है ही नहीं वो, क्योंकि मैं भूल चुका हुआ था। उसके बाद मैंने ऑफिशियल भी बनाया, वो मेरे पे आज तक चल रहा है, तो काफ़ी नाजुक सूरत हाल चल रही है आजकल। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है रियलमी GT मास्टर एडिशन के बारे में, तो भाई रियलमी का ये वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई ग्लोबली उन्होंने 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा रियलमी GT मास्टर एडिशन
के फोन्स को सेल कर लिया हुआ है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप लोगों को 60 से 70,000 के अंदर A52s नहीं मिलता तो फिर आपने रियलमी GT मास्टर एडिशन की तरफ जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि जो स्टिल A52s में इससे मच बेटर ऑप्शन है। अगर आपको नहीं मिलता तो रियलमी GT मास्टर एडिशन इटसेल्फ इज़ अ गुड ऑप्शन, काफ़ी सक्सेसफुल ये वाला फ़ोन रहा है। और अगर रियलमी इसी तरह चलता रहे फ्यूचर के अंदर भी तो लोगों का भी फायदा होगा, रियलमी का भी फायदा होगा। ओवरऑल मुबारक को भाई रियलमी वालों को। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि रियलमी वालों ने जो प्राइजेस बढ़ाई है ना पाकिस्तान के अंदर, अनसर्टेनिटी जो चल रही है आपको पता ही क्या सीन चल रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई एज कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड्स, तो इसके लिए भी शाउट आउट टू Realme, काफ़ी अच्छा काम उन लोगों ने किया है। अगली अपडेट अगेन Apple के बारे में, iPhone 14 सीरीज के बारे में। तो भाई चाइना की जो मार्केट है ना वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, ओवरऑल जो सेल्स होती है ना Apple की यही प्रोडक्ट्स की iPhone के, वो चाइना का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्ट कर रहा होता है। अगर हम लोग iPhone 13 सीरीज के ऊपर देखते हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी सेल्स चाइना के अंदर नहीं रही थी, लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो 14 सीरीज आने वाली है ना उसके अंदर चाइना के अंदर जो सेल्स हुई होने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि जो वहाँ पर प्री बुक लोग करवाते हैं जो डीलर्स होते हैं उनसे ये डाटा आ रहा है कि भाई काफ़ी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है iPhone 14 सीरीज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू iPhone 13 सीरीज़। और उसकी मुझे सबसे बड़ी रीज़न ये लग रही है कि जब 12 से 13 के ऊपर जंप किया गया तो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं थी, तकरीबन वही चीज़ें ही थोड़ी सी ऊपर करती गई थी। लेकिन जब आप 14 के ऊपर जाओगे तो एक बड़ा जो चेंज आने वाला है वो जाहिर सी बात है कि फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले के अंदर आने वाला है, जो नोच वगैरह को ख़त्म किया जाएगा, तो इसी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे भी पर्सनल तौर पर लगता है कि Apple अगर थोड़ा बहुत एक मेजर चेंज करें ना हर सीरीज़ के अंदर तो डेफिनेटली उनकी जो सेल्स हैं वो शाउट करेंगे। लेकिन ओवरऑल एप्पल को भाई मसला नहीं चल रहा है, एप्पल जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स की मार्केट है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठा हुआ अराउंड 60%, तो भाई ओके से ही चल रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो चाहे बड़ी अपग्रेड करें या फिर ना करें। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अब आप लोगों को पता है ना कि व्हाट्सएप के ऊपर हम जब ऑनलाइन होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई कॉन्टैक्ट कौन सा ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन हो तो हमें वहाँ पर शो हो जाता है। अब ये वाला जो काम है ना व्हाट्सएप वाले ख़त्म करने वाले हैं। अब आपको जो ऑनलाइन स्टेटस होता है जब आप किसी को देखते हो नंबर को ओपन करके ऑनलाइन अगर हो तो हम ऑनलाइन लिखा हुआ नजर आ जाता है, इसको खत्म करने वाले हैं। पर्सनली तौर पर इसके बारे में मेरी जो ओपिनियन वो ये है कि भाई इसको खत्म नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर हमें यूनिक मिलती हैं, व्हाट्सएप लाइक हमें वो ऑफर कर रहा होता है। अब वो अगर आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइवेसी के नाम के ऊपर इन चीज़ों को खत्म करेगा तो वो एक जो कोर वाइब है ना व्हाट्सएप वाले वो खत्म हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है ये ऑप्शन खत्म होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं आई कि ऑल मतलब सबके लिए ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर आप स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर पाओगे कि भाई आप जब ऑनलाइन हो तो इस बंदे को ना पता लगे, जिस तरह हमें स्टोरीज के अंदर प्राइवेसी लगाने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इस किस्म के किसी फीचर के ऊपर काम किया जा रहा है, लेट्स सी कि ये कब रोल आउट किया जाता है। मैं भाई इसके हक में नहीं हूँ, सीधी सीधी ये बात है, तो लेट्स सी कि आप हक में हो या फिर नहीं हो। अगली अपडेट जो है ना ये भाई कल से मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट जो मोबाइल्स वाली मार्केट के पेजेस है ना वहाँ पर ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि भाई जो पीटे का टैक्स उन लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया हुआ 10,000, लाइक जो नया टैक्स बताया जा रहा है पासपोर्ट के ऊपर जो 72 था ना वो 82 कर दिया गया है, और जो आईडी कार्ड के ऊपर है वो 97,000 कर दिया गया है। अब इसके रिलेटेड ऑफिशियली तौर पर कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई, ये एक लाइक नहीं बताया गया FBR की तरफ से, क्योंकि FBR ही बताता है, पीटी शीटी वाले नहीं बताते, उन्होंने तो बस लेना ही होता है। मैं मार्केट खुद जाऊँगा लाहौर की मार्केट से अंदर से मैंने पता नहीं किया, लेकिन भाई फेसबुक के ऊपर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर गया है। पहले उन लोगों ने खुद से अनब्लॉक किया था, वो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, उनको लगा होगा कि भाई लोग तो करवा कर नहीं रहे, हमने अपना जो फर्ज है वो तो पूरा करें बढ़ाने का, तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। इसके बारे में अभी तक मुझे श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ सर्कुलेट कर रही है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी ये क्लियर करके बता दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वो लोग करवाते रहते हैं तो उनको पता होगा। अभी तक के लिए ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि 10,000 आईडी कार्ड के ऊपर पासपोर्ट के ऊपर इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो कल वाली वीडियो के लिए तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।